दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री पैराडाइज में। और ये सेंसेस का ये दूसरा वीडियो है, सेकेंड पार्ट जो कि मैंने बनाया है अभी। और अब हम इसमें पढ़ेंगे साक्षरता दर के बारे में, लिटरेसी रेट के बारे में। लिटरेसी रेट पहले होता क्या है हम इस बारे में जान लेते हैं। जो व्यक्ति अपना नाम लिखना एवं पढ़ना जानता है वह साक्षर है। ये इंडिया में डेफिनेशन यही जानी जाती है कि जो व्यक्ति अपना नाम पढ़ सकता है और लिख सकता है उस व्यक्ति को साक्षर माना जाएगा। इसी अनुपात से देखा गया है कि भारत में 73% लोग अपना नाम पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसी को क्या माना गया है, लिटरेसी रेट माना गया है। अब हम इसी प्रकार से बात करते हैं कि यूपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये यूपी का स्पेशल बैच चल रहा है, सेंसस ऑफ यूपी पर चल रहा है। तो हम ये जानते हैं कि यूपी की साक्षरता दर कितनी है, यूपी की लिटरेसी रेट कितनी है। 67.7% है और इसका 29वां स्थान आता है, जो कि 29वां स्थान ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिलाकर के बताया गया है। और अगर पुरुष साक्षरता की बात करते हैं तो 29वां स्थान बताया जाता है, जैसा कि यहाँ पर भी है। और 77.3% पुरुष साक्षरता है, मेल्स लिटरेसी है। और महिला लिटरेसी की अगर बात करते हैं, जैसे कि फीमेल लिटरेसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर 57.2% है। ये काफ़ी कम यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर बहुत कम है। और इसमें 31वां स्थान यूपी को प्राप्त होता है, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को मिला करके। साक्षरता अगर दर की बात करें, साक्षरता दर की क्या डेफिनेशन होती है, तो जो व्यक्ति अपना नाम पढ़ना एवं लिखना जानता है उसे साक्षर माना जाता है। भारत की साक्षरता दर अगर पूरे भारत की हम देखना चाहें तो 73% है। और अगर हम केवल यूपी की बात करते हैं तो 67.7% है। अब जैसा कि आप सभी लोग देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले के बारे में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, उसके बाद में मुरादाबाद में है, फिर गाज़ियाबाद में है और लखनऊ में है। लखनऊ में 5वें नंबर पर है, उससे पहले आजमगढ़ में है। सबसे पहले अगर देखते हैं तो प्रयागराज में है, फिर मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, ये पांचों डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा अगर देखें तो प्रयागराज में। और सबसे कम, मतलब कि टॉप 5 में अगर देखें सबसे कम, तो लखनऊ में जनसंख्या है। और अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िलों की बात करते हैं, वैसे तो हमें 3 ही ज़िलों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि पहला कौन सा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला है, तो ये फर्स्ट 3 पूछे जाते हैं। बाकी ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िलों के बारे में अगर हम बात करें तो महोबा सबसे एक नंबर पर आता है, सबसे कम यहीं पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है। नंबर 2 पर अगर देखें तो चित्रकूट और हमीरपुर, मतलब कि यहाँ पर सबसे कम है, फिर उसके बाद में यहाँ पर है, उसके बाद में हमीरपुर में है, ठीक है। और सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले अगर ज़िलों की बात करते हैं तो प्रयागराज 1 नंबर पर है, फिर मुरादाबाद है और गाज़ियाबाद है। जैसा कि हमने ऊपर वाले में देखा था, सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िलों के बारे में हमने देखा था यहाँ पर, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर आता है कि प्रयागराज वहाँ पर भी 1 नंबर पर था, मुरादाबाद 2 नंबर पर था और गाज़ियाबाद 3 नंबर पर था। वैसे ही बिल्कुल सेम है, ये हम लोग जान सकते हैं कि जहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है वहीं पर जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले ज़िलों के बारे में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर आता है प्रयागराज, आजमगढ़ और जौनपुर। प्रयागराज में सबसे ज़्यादा पुरुष जनसंख्या भी है, पुरुष जनसंख्या भी प्रयागराज में सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा अगर महिला और पुरुष दोनों की मिला करके देखा जाए तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा है। और अगर महिला जनसंख्या भी देखी जाए तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा है। और आजमगढ़ नंबर 2 पर आता है महिला जनसंख्या वाले ज़िलों में और नंबर 3 पर आता है जौनपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले, मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि किस ज़िले में हुई है, हम अगर इस बारे में देखते हैं तो गौतम बुद्ध नगर ये पहले नंबर पर आता है, उसके बाद में गाज़ियाबाद और श्रावस्ती आता है। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक, मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, उसके बाद में गाज़ियाबाद में और श्रावस्ती में हुई है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले अगर ज़िले देखे जाएँ तो कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत आता है। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है
कानपुर, हमीरपुर और बागपत में सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि हुई है। अगर हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों के बारे में अगर हम देखें तो गाजियाबाद, बनारस और लखनऊ सबसे ज़्यादा जनघनत्व गाजियाबाद में है, उसके बाद में बनारस में और उसके बाद में लखनऊ में। और न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों के बारे में अगर हम बात करें तो ललितपुर में सबसे कम जनघनत्व है, उसके बाद में सोनभद्र और हमीरपुर में नंबर आता है, इनका नंबर आता है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले मतलब कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किन जिलों में है, अगर हम उन जिलों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर आता है गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर औरैया का, इसमें सबसे पहले नंबर आता है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर में और उसके बाद में कानपुर में और फिर औरैया में इनका नंबर आता है। अगर हम दोस्तों देखें कि न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले श्रावस्ती बहराइच और फिर बलरामपुर का नंबर आता है। सबसे कम साक्षरता वाले जिलों में श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, यानी कि यहाँ की साक्षरता सबसे कम है। और अगर हम देखते हैं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों के बारे में अगर हम देखते हैं तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया और इटावा आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है यहाँ पर। और अगर हम न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिलों के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर के पुर का नंबर आता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों में नंबर आता है गौतम बुद्ध नगर का पहला नंबर है, औरैया और इटावा का नंबर है। और न्यूनतम साक्षरता पुरुष साक्षरता वाले जिलों में श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर का नंबर आता है। दोस्तों अगर हम देखते हैं कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिलों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है कानपुर नगर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर का। महिला साक्षरता में सबसे ज़्यादा अगर देखी जाए महिला साक्षरता अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा कानपुर नगर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में प्राप्त हुई है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले अगर जिले देखे जाएँ श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच से प्राप्त होते हैं, ऐसे आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात जैसे कि सेक्स रेशियो के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया से हमें ऐसा डाटा हमें प्राप्त होता है। दोस्तों अगर हम देखें कि न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है तो हम देखेंगे गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत, यहाँ इन दोनों जगह का जो सेक्स रेशियो है वो बराबर आया है, तो इन दोनों को हम एक ही बार लिख लेते हैं। ये दूसरे नंबर पर ये दोनों जिले आते हैं। अगर आपसे अगर कभी पूछा जाए कि बागपत कौन से नंबर पर है तो सेकेंड नंबर पर है, अगर हमीरपुर भी इसकी जगह पर ऑप्शन आप सभी लोगों को मिल जाता है तो वो भी दूसरे नंबर पर ही आता है। और अगर हम देखते हैं कि कानपुर नगर, मथुरा और बांदा यह तीनों तीसरे नंबर पर आते हैं, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सभी लोगों को मिलता है तो वो सही होगा, क्योंकि इन तीनों में सेक्स रेशियो जो है वो न्यूनतम सेक्स रेशियो यहाँ पर लिखा हुआ है, न्यूनतम सेक्स रेशियो वो बराबर आया है। जैसा कि अब हम आगे देख लेते हैं कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले मतलब कि हमारे जैसा कि पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ दो प्रकार से जनगणनाएं होती हैं, एक तो 0 से 6 साल के बच्चों के होता है और ऊपर उसके बाद में 6 साल के ऊपर के लोगों में जनगणना होती है। तो बलरामपुर चाइल्ड सेक्स रेशियो के मामले में सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा है यहाँ का। और संत कबीर नगर, बहराइच और सिद्धार्थनगर, बहराइच और सिद्धार्थनगर ये दोनों ही तीसरे नंबर पर हैं, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सभी लोगों को मिलता है तो वो सही होगा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिले अगर हम यहाँ देखते हैं कि सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ है तो बागपत में सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद इन जगहों पर सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो प्राप्त हुआ है। आइए दोस्तों हम जैसे कि देखते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले के बारे में अगर हम बात करते हैं, रूरल पॉपुलेशन जिनमें सबसे कम है हम अगर उनको देखेंगे तो ऐसे ज़िले आते हैं गौतम बुद्ध नगर, महोबा और हमीरपुर, इन ज़िलों में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। जैसे कि यहाँ पर गांव में लोग कम सबसे कम किन ज़िलों में
रहते हैं। तो सबसे पहले पहला नंबर आता है गौतम बुद्ध नगर का, दूसरा नंबर आता है महोबा और तीसरा नंबर आता है हमीरपुर का। अगर हम इसी प्रकार से देखते हैं कि सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाले जिलों के बारे में अगर हम देखते हैं तो इनमें आता है सबसे पहले नंबर पर आता है श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज। इनमें ये सबसे पहले नंबर पर आता है श्रावस्ती, नंबर दो पर आता है कुशीनगर और नंबर तीन पर आता है महाराजगंज। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाले जिलों के बारे में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले गाजियाबाद आता है, लखनऊ और फिर कानपुर आता है। गाजियाबाद का यहाँ पर पहला नंबर है, नंबर दो पर है लखनऊ और नंबर तीन पर है कानपुर। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाले जिलों में जैसे कि ये जान लेते हैं कि प्रतिशत जनसंख्या वाले जिलों को हम कैसे देखते हैं कि न्यूनतम प्रतिशत जनसंख्या मतलब कि अगर शहरी जनसंख्या मान लेते हैं कि 60% है, अगर शहरी जनसंख्या 60% है तो 40% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या होगी। ये जो है ये सबसे कम किन डिस्ट्रिक्ट्स में है तो सबसे कम है गाजियाबाद में, उसके बाद में नंबर आता है लखनऊ और कानपुर का। कानपुर तीसरे नंबर पर है, लखनऊ दूसरे नंबर पर है। अगर हम देखें कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिलों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहला नंबर आता है औरैया, इटावा और मैनपुरी का। सबसे ज़्यादा यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो साक्षर हैं, औरैया के नंबर एक आता है और इटावा के नंबर दो पर, मैनपुरी नंबर तीन पर। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाले जिलों के बारे में अगर हम ज्ञात करें तो श्रावस्ती उसमें पहला नंबर पर आता है। यहाँ पर जो ग्रामीण जनसंख्या के लोग हैं जो ग्रामीण साक्षरता जिनमें सबसे कम है उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच। बहराइच का तीसरा स्थान है, बलरामपुर का दूसरा स्थान आता है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले ऐसे सबसे ज़्यादा सीतापुर में रहते हैं, प्रयागराज और फिर हरदोई में। इन जगहों पर सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं। सीतापुर में सीतापुर का पहला नंबर आता है और प्रयागराज का दूसरा और हरदोई का तीसरा नंबर यहाँ पर आता है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिलों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर आता है बागपत का, फिर श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर का। यहाँ पर सबसे कम शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं, सबसे कम रहते हैं बागपत में, नंबर दो श्रावस्ती का आता है और नंबर तीन गौतम बुद्ध नगर का आता है। जैसा कि अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जात प्रतिशत शेड्यूल्ड कास्ट परसेंट वाले जिले मतलब कि सबसे कम अनुसूचित जात प्रतिशत के जिले जो हैं वो कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई आता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा की बात हो रही है, सर्वाधिक की बात हो रही है, सर्वाधिक अनुसूचित जात के लोग रहते हैं मतलब कि प्रतिशत यहाँ का है। न्यूनतम अनुसूचित जात प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो बागपत, बरेली और बलरामपुर का आता है नंबर इसके बाद। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये जो वीडियो है इसकी जो PDF है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो नोट्स हैं, ये इनको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या हमारी वेबसाइट विजिट करके इस जो पर्टिकुलर वीडियो के टाइटल है इसको भी देख के आप जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाकी वीडियोज आप देख सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट आने वाला है। धन्यवाद।